ज्यादा कमाने के लालच में कई बार इंसान अपनी जेब में जमा पूंजी भी गंवा बैठता है। ऐसा ही वाक्य पानीपत में 13 और 17 सेक्टर में रहने वाले लोगों के साथ एक महिला ठग के संपर्क में आने से हुआ। 13 और 17 सेक्टर में ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली प्रियंका ने बताया, सुमन चावला नाम की महिला उसके पार्लर पर फेशियल करवाने आती थी। उसने दुबई की एक कंपनी में धनराशि निवेश करने पर 10% हर महीने रिटर्न मिलने का भरोसा दिलाया। इसी तरह उसने अपने जाल में अन्य महिलाओं को भी फंसाया। इस तरह करीब 80 करोड़ निवेश करवाकर ठग लिए। अब रुपए मांगने पर वापस नहीं मिल रहे। ठग महिला के साथ एक अंकित गोयल नाम का साथी जो हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला है वो भी शामिल है। वह दुबई में फॉरेक्स नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रहा है। सुमन चावला नाम की लेडी है, 13-17 सेक्टर में रहती है, जो कि शेयर बाजार का काम करती थी। इन सब लोगों का पैसा, कम से कम भी 50-60 लोग हैं, जिसका उसने पैसा फॉरेक्स नाम की कंपनी में लगाया, जिसको कि अंकित गोयल नाम का आदमी चलाता है जो दुबई में रहता है, और जब भी पैसे लेने आता था वो यहाँ पानीपत में आता था। और ये प्रियंका है और इसका भी पैसा है सब कुछ। ये सब लोग मेरे पास ही खड़े हैं, ये सब लोग पीड़ित हैं। हम लोग पुलिस के पास गए, सारी हमने उनको समझाया, पर वो लोग कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम में से आधे लोगों के घर बिक गए, कोई बेघर हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, बट पुलिस तस्यमस होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद पुलिस, आज की पुलिस को ये देख के लगता है कि शायद सारी पुलिस बिकाऊ हो गई है। आज किसको मिले और कितना पैसा आप लोगों का लगा है? हम आज SP साहब से मिले हैं, SP शशांक कुमार सावंत जी से मिले हैं, और उन्होंने कोई भी संतुष्टिदायक कोई भी उन्होंने हमें उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, मतलब एक हास्यपद उन्होंने एक बात कही कि सर्दी जुकाम आपको हो गया है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो पुलिस हूँ, पुलिस आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया कि आप पुलिस के पास आ गए। अब आप लोग ये बताओ कि अगर हमारा पैसा है और हम लोग मर रहे हैं तो हम किसके, फ्रॉड हुआ है हमारे साथ इतना बड़ा, तो हम किसके पास जाएं? आज सिर्फ कोर्टों में तारीखें लग रही हैं, हम कहाँ जाएं? और ये लेडी 2-1 से लेकर 10 के बीच में इसने दुबई की टिकट करवाई हुई है और ये वहाँ पे भाग जाएगी, तो हम लोग बताओ किसके द्वार पे जाएं? हमारी प्रार्थना है SP साहब से कि हमारी प्रार्थना सुने और हमारी, हमारे पैसे का लेन देन जो भी है उसका करवाएं। 3.25 करोड़ है मेरा, हमारी मतलब इस बहू से भी अलग से ले रखा, मेरी बहू से भी 27 लाख, तो ये रोज़ मांगने जाती थी, इसे चोरी से ले लिया था, 6 महीने लगातार गई, तो फिर मैंने इस पर 2.5 करोड़ का चेक डाल दिया, केस लगा दिया। उसके बाद ये बहू इसको बुला रखा था, भाई तेरे को 1 लाख रुपए देंगी। ये जैसे ही गई ना तो उन्होंने बोली पहले तेरी सास से कहो मेरा केस उठाओगी पहले 2.5 करोड़ का। या बोली मैं क्यों कहूँ भाई, या तो उसके सामने लेती कहती, जब तू ले रही थी अपनी सास को बुला कर लिया तभी लेंगी, हैं? तो उसने मतलब गाली गलौज कर दी। फिर उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का, उन्होंने मार पिटाई कर दी, लड़के ने छेड़खानी कर दी, तो हमारी फिर इसका केस डाल दिया हमने, FIR दर्ज भी हो रही है इसके, 164 के बयान भी हो रहे हैं हमारे, तो पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस ने अब कैंसिल में डाल दिया हमारा केस। 2 करोड़ का चेक आपको कब दिया उन्होंने? बहुत पहले दे दिए थे जब हमारे पैसे जा रहे थे, चेक तो और भी दे रखे उसने। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।